फोटो फोटो के ले फर्स्ट टाइम मैं हाइफा पे आ रहा हूँ और बहुत मज़े की बात यह है कि ये इंडिया में हो रहा है और ऊपर से मुंबई में हो रहा है। हल्की हल्की बारिश आ रही है और जो लोग हाइफा में नहीं आ पाते रहे, हाइफा जब बाहर होता रहा, तो उन लोगों को भी मिलने का मौका मिल रहा है। इट्स अमेजिंग। फैंस का प्यार है, आदमी कोई खुद कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था ज़्यादा गाने बनाने में, अब वो सारे गाने बना लिए, दो दर्जन गाने बना लिए, अब वो आ रहे, वो शूट कर रहे हैं, और आप सबका प्यार चाहिए और वो उनको आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर दिल चोरी साडा हो गया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, पहली बारी फ्रॉम द मूवी सोनू की डिडू। यार मैं ना सॉफ्टवेयर गाने वाला आदमी हूँ, मैं लाइव गाने वाला आदमी नहीं हूँ, तो गलती से गाऊंगा जो भी गाऊंगा। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लख रोका था यारों ने, के ना कर तू मन मानी, दिल चोरी साडा हो गया ओए। की कह रही है, इंग्लिश में बोल दो, व्हाट टू डू और यू वर सेइंग। अवार्ड्स बहुत जरूरी है, आई थिंक बंदा इंस्पायर होता है बहुत जिसको एक अवार्ड मिलता है। मेरे घर पे थोड़े से अवार्ड्स पड़े हैं, तो जब भी मैं देखता हूँ मैं और काम करता हूँ देख के। मेरा पहला अवार्ड था, रीजनल अवार्ड था, 2005 में मुझे गाने के लिए मिला था फॉर साउंड इंजीनियरिंग। सो वो अवार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं, वो डिफरेंस नहीं, वो प्रोग्रेस है। वो लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने नए आर्टिस्ट आए हैं बहुत कमाल काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे बेहतर काम करने वाला गुरु रंधावा, इज माय यंगर ब्रदर। सो अब डिफरेंस नहीं है, वो मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कि इतने सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मिस फायर हर आर्टिस्ट से होते हैं। मैंने भी 10 चीज़ें बनाई जिसमें 2 चीज़ें चली, 8 नहीं चली, तो मैं वो 8 चीज़ों को भी देखता हूँ। सो सबके साथ होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है म्यूज़िक बनाने का। डेफिनेटली वो एक चीज़ इतनी बड़ी मुकम्मल हो गई है शाहरुख सर के साथ कि दोबारा कुछ करने का मूड नहीं बनता। मतलब कहते ना, मेरा एक शेर था कि अब यह तो मुकम्मल हो गया, चलो और जहान देखते हैं। Thank you.